हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू ऑनलाइन। माई सेल्फ दीपक कुमार वत्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज स्किल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो स्किल्स चाहिए उन्हें हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, इस सीरीज में हम इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं अपना सेशन वन। एंड व्हाट इज इट, क्या सीखेंगे हम इसमें? Demonstrates knowledge of various methods of communication skills. Communication skills के जो अलग अलग methods होते हैं उन पर हम discuss करेंगे session वन में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम किन किन topics पर इस video में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे what is communication, communication क्या होता है। Then we discuss about the methods of communication, communication के क्या क्या तरीके होते हैं, इन पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। सो यू शेयर आइडियाज फीलिंग्स विद पीपल अराउंड यू। दिस शेयरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस और यूजिंग एनी लैंग्वेज। मींस आप अपने आसपास के लोगों के साथ क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स या अपने आइडियाज़, आपके जो थॉट्स होते हैं वो शेयर करते हैं। हम सभी करते हैं, समय समय पर करते रहते हैं, रूटीन वर्क है हमारा। सो जब हम इन अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स को शेयर करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? समटाइम्स वी यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, कभी कभी हम केवल फेशियल एक्सप्रेशन से ही काम चला लेते हैं। और समटाइम्स वी यूज एनी लैंग्वेज, और कभी कभी हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसी कल्चर है वहाँ उसी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और जगह जगह पर फेशियल एक्सप्रेशंस के मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन। अब ये जो आपने एक्सचेंज किया इंफॉर्मेशन का, यही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। आपने अपनी थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को किसी दूसरे के पास डिलीवर किया, इट मीन्स यू हैव कम्युनिकेट, आपने कम्युनिकेशन किया है। इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड इवन अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, मीन्स कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या होती है, लिसनिंग सुनना आपका, स्पीकिंग बोलना, ऑब्जर्विंग। समटाइम आपने देखा होगा हम कुछ चीज़ें देखकर ही सीख लेते हैं, मीन्स ना हम बोलते हैं और ना सामने से कोई बोलता है और उसको देखकर ही हमें पता चल जाता है। कुछ इवेंट हो सकती है या कुछ विजुअल एड्स को हम देखकर समझ लेते हैं। एंड इवन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप समझ कैसे रहे हैं इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमने 9th क्लास में सीखा था, एक सेशन था हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव का क्या रोल होता है, अलग अलग व्यक्ति का अपना चीज़ों को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, वॉट इज इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन, क्यों, बिकॉज यू इन्फॉर्म समवन अबाउट द फैक्ट और न्यूज़। आप यदि कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप किसी फैक्ट के बारे में बता रहे होंगे या किसी न्यूज़ के बारे में आप बता रहे होंगे। इफ़ यू आर नॉट गॉसिपिंग, अगर आप गॉसिप नहीं कर रहे हैं, देन यू प्रोबेबली विश टू इन्फ्लुएंस समवन और यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और या तो आप क्या कर रहे होंगे, जब आप किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं या कोई बात आप अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सामने वाला मेरी इस बात से प्रभावित हो या जो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ वो उसको मान ले। तो इट मीन्स ये कब होगा, जब आप जिस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सामने वाले व्यक्ति के समझने की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल्स, कम्युनिकेशन क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी, आप आइदर फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं, आप ओवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन। एंड यू कैन यूज एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दीज आर
कम्युनिकेशन, आप इनमें इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग। अब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये कहाँ से आया है। दिस वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया, जिसका क्या मतलब होता है? कॉमन। कॉमन मतलब उसको सामान्य बना देना। कोई थॉट्स जब तक आपके दिमाग में हैं, आपने वो डिलीवर नहीं की, इट मीन्स दैट इज़ नॉट कॉमन, दैट इज़ प्राइवेट। अगर वो आपने किसी के साथ शेयर की, देन इट बिकम्स कॉमन। सो टू कम्युनिकेट मीन्स टू मेक कॉमन और टू मेक नोन, और यू कैन से दैट टू शेयर ऑल्सो। सो ऑल दीज आर मीन्स कम्युनिकेशन। इट इज़ द मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मीन्स जो कम्युनिकेशन क्या है? एक मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मतलब निकलता हो। ऐसा यदि कोई आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो दो लोगों के बीच हो या ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक को सेंडर कहते हैं और एक को रिसीवर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कम्युनिकेशन क्या है? एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने की कला है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? हम चाहते हैं कि जो हम सभी लोगों की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो, सबकी समझ एक जैसी हो जाए, ताकि हमें किसी नतीजे पर पहुंच सकें। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं, तो तब हमारा क्या टारगेट होता है? दैट वी हैव टू कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर थिंग, या तो हमें ये चीज़ बनानी है। तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम सबकी थॉट्स एक पर्टिकुलर वे में काम करें और वो सब एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए हों। एक अगर बोलेगा कि मुझे इस पर काला कलर अच्छा लगेगा, दूसरा बोलेगा मुझे पीला कलर अच्छा लगेगा, तो कैसे वो प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? हमें क्या होता है, हम थॉट्स को शेयर करते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, देन तब हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं दैट ये हमें करना है। सो कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्टिविटी है जो किस लिए ज़रूरत होती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। कब? जब हमें क्या करना है? थॉट्स का एक्सचेंज करना हो, विचारों का आदान प्रदान करना हो, तो उस समय जो एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड दिस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और एक इसमें चैनल भी होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जांपल्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, और रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जांपल्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। मीन्स जब आप बोलते हैं या आप लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट दैट टाइम यू आर सेंडर। और जब आप रीड कर रहे होते हैं या लिसनिंग कर रहे होते हैं, जैसा अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर। नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस ओवर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। जो कम्युनिकेशन चैनल, जैसे हमने अभी पीछे कहा था कि जैसे हमने पीछे फिगर देखी थी, उसमें क्या था? सेंडर था, एक रिसीवर था, और वो किसी चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो चैनल के आधार पर जो कम्युनिकेशन है, उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द वर्बल कम्युनिकेशन एंड द रेस्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पर। सो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, एज द टर्म इंडिकेट्स, जैसा ये टर्म ही इंडिकेट कर रहा है, वर्बल, इट इज द कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, बट इज शुड बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जब आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो रिसीवर है उसके द्वारा वह समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला जापानी समझता है और आप उसे हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं,
तो दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, तब वह कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप्स कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इन द स्पोकन, ओरल और द रिटन फॉर्म। अगर हम कम्युनिकेशन के संदर्भ में देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन आपका स्पोकन या ओरल हो सकता है और रिटन हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग थॉट्स ईजियर एंड फास्टर। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मीन्स आपके जो थॉट्स हैं उनको शेयर करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, आसान बना देता है और तेज कर देता है। एंड दस इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्म कहा जाता है कम्युनिकेशन की। आपने भी ये महसूस किया होगा, आपको यदि कोई बात कहनी है किसी से तो आप लिखकर कहने की बजाय क्या करते हैं, बोलकर बताना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द ओरल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स स्पीकिंग विद समवन आइदर फेस टू फेस और थ्रू फोन, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम। ओरल कम्युनिकेशन में क्या आता है, यदि आप किसी व्यक्ति से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप वॉइस चैट कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या फिर आप ऐसे किसी और मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप की साउंड आपके द्वारा बोले गए वर्ड्स सामने वाले तक पहुँच सकें और उसके द्वारा बोले गए वर्ड्स आपके पास आ सकें, तो ये क्या कहलाता है, आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव फॉर्म, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर, इट कंप्रेसेस अबाउट 7% ऑफ ऑल द ह्यूमन कम्युनिकेशन। जितना हम ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं उसका 7% ओरल कम्युनिकेशन होता है। एंड नाउ वी डिस्कस द एलिमेंट्स दैट मेक्स द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अभी तक हमने बात की कम्युनिकेशन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अभी हम बात करेंगे कि हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर हमें काम करना होगा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। सो दीज आर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, वोकेबुलरी, डोमेन नॉलेज एंड लिसनिंग। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मीन्स जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं उसमें आप दक्ष होने चाहिए, मतलब उसमें आप पारंगत होने चाहिए, वो आपको सही से आनी चाहिए। वोकेबुलरी, आपके पास वर्ड्स का एक अच्छा संग्रह होना चाहिए। अभी किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी समय पहले की बात है। मुझे एक वर्ड, जैसे गाड़ी की टक्कर होती है उसका इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता था। दैट टाइम आई हैव टू यूज अ सेंटेंस, मुझे एक सेंटेंस बनाना था कि दो गाड़ी की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। अब टक्कर जो वर्ड आया उसकी मुझे इंग्लिश आती नहीं, ग्रामर मेरी कितनी भी अच्छी है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मेरी कितनी भी अच्छी है, बट यदि मुझे उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊँगा और मैं सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। सो वोकेबुलरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। डोमेन नॉलेज मीन्स आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में बात कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। लिसनिंग इम्पोर्टेंट होती है, हमें सबसे पहले सामने वाले को सुनना होता है तभी हम उसका सही से जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं अब कुछ ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसमें भी आपका दो प्रकार का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स जैसे कोई लेक्चर है दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन सच एज द ग्रेपवाइन मीन्स गॉसिपिंग, ये किसके अंतर्गत आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, और इस पर हमें अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होता है एंड वी हैव सो मैनी थिंग्स टू लर्न एंड नाउ अडेज
वी हैव सो मैनी वेज टू लर्न ऑल्सो, आज की डेट में हमारे पास सीखने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, केवल क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए केवल आपको क्यूरियस होना है एंड यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं। बिलीव नहीं होता है तो किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियस होकर देखिए और आप वह जरूर सीख जाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पर, एज अ गेम हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं ना खेलना, वाई बिकॉज वी वर क्यूरियस टू लर्न दैट, क्योंकि हम उसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कुछ एडवांटेज की, ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज होते हैं। दिस इज क्विक इन ऑब्टेनिंग फीडबैक, फीडबैक लेने में ये क्विक होता है, आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की ओरली तो वो भी आपको ओरली उसका जवाब तुरंत दे देगा। पावरफुल मीन्स ऑफ परसुएशन, परसुएशन मीन्स जब आप किसी का उत्साहवर्धन करते हैं उस समय के लिए उस काम के लिए बेहतर तरीका होता है। प्रोवाइड्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन डिलीवर्ड एंड क्लैरिफाइड डाउट्स, जो भी कम्युनिकेशन जिसके लिए भी डिलीवर किया गया है सामने वाला उसको आसानी से समझ लेता है और अपने डाउट्स भी आसानी से क्लियर कर सकता है। सेव्स टाइम इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में लगने वाले समय को बचाता है। कॉस्ट इफिशियंट एंड द पॉइंट ऑफ बिजनेस इट इज कॉस्ट इफिशियंट, ये कॉस्ट इफिशियंट होता है, कोई खर्च नहीं होता, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है, मेरे सामने है, बोला और इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो गई। अब देखिए एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेज क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन के उन्हें भी देखते हैं। हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, यदि आपने फेस टू फेस आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने किसी को कोई बात बोला कि मैं ये काम इतने दिन में कर दूंगा, आपने नहीं किया तो वो आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, और इन कोर्ट वी नीड प्रूफ, तो लीगल वैलिडिटी कोई नहीं होती है। डिफ़िकल्ट फॉर सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड स्पीच ड्यू टू वेरिंग एसेंट्स, एसेंट्स मतलब अलग अलग जगह पर बोली लोगों की बदल जाती है, और हमारे यहाँ भारत में तो एक कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी और बारह कोस पर बदले वाणी, मतलब कोस कोस पर यहाँ पानी बदल जाता है और बारह कोस पर वाणी बदल जाती है। तो इस वाणी बदलने के कारण अब यहाँ की जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरी एसेंट को बोलता है, किसी दूसरी लैंग्वेज को बोलता है, और हम किसी दूसरी लैंग्वेज को बोलते हैं, दूसरी एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, वो चूँकि हमारी बात एक दूसरे को समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट, इमोशंस और रिएक्शंस आर नोटिसेबल एंड हैंस कैन बी मिसअंडरस्टूड, जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या आप ओरली फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं तो कुछ इमोशंस या कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू सामने वाला हमारी बात को समझ लेता है, क्योंकि वो नोटिसेबल हैं, समझ में आ जाती है। जैसे अगर आपके पास अभी मेरे पास एक कॉल आई थी एक नंबर से, पहली बार जब मैंने उसको बोला हेलो, सिंपल, उधर से कोई साउंड नहीं आई, दूसरी बार हेलो, इट मींस कि दूसरे हेलो में मेरा क्वेश्चन था कौन है। तो ये जो नोटिसेबल होता है और सामने वाला क्या कर सकता है, इसको मिसअंडरस्टूड कर सकता है, वो इसका गलत मतलब भी निकाल सकता है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये जो मैंने बताया ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे कई इमोशंस या रिएक्शंस हमारे होते हैं जो नोटिसेबल होते हैं और उनका मतलब रिसीवर के एंड पर गलत निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, डज नॉट प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड अनलेस ऑडियो इज रिकॉर्डेड, इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता जब तक कि ऑडियो रिकॉर्ड न की जाए। एंड द लास्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज, अगर आपको कोई लेंथी मैसेज डिलीवर करना है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, क्यों, उसका भी रीजन है, आपने ज़्यादा लंबा कोई मैसेज किसी को डिलीवर किया तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उसको अपने माइंड में स्टोर कर पाए, और बहुत सारे पॉइंट्स क्या होंगे, मिस होने के वहाँ पर चांसेस रहेंगे। सो दिस वॉज द ओरल कम्युनिकेशन एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, और ये हमने क्लास 9th में भी इस पर डिस्कस किया था, आप उसकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन पर। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है,
इट इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिटन फॉर्म। यदि आप रिटन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। और इसमें आपका क्या क्या आता है, एग्जाम्पल्स, इसका लेटर और कोई डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल, प्रेस रिलीज या कॉन्ट्रैक्ट, मेमोज, ईमेल्स, टेक्स्ट, एसएमएस या पोस्ट ऑन सोशल मीडिया और पोस्टर्स, ब्राउचर्स, ऑल आर दीज एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट कैन बी आइदर हैंड रिटन और टाइप्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ये आपका हैंड रिटन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली टाइप भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर पर टाइप किया हो या टाइपराइटर वगैरह से टाइप किया जाए। कुल मिलाकर रिटन होना चाहिए, वर्ड्स का उसमें इस्तेमाल हो या सिंबल्स का इस्तेमाल हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इशूइंग लीगल इंस्ट्रक्शन। ये कम्युनिकेशन जो हमारे बिजनेस सेक्टर होता है उसमें कम्युनिकेशन के लिए तो जरूरी ही होता है। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वो होना ही है, एक ऐसा कम्युनिकेशन का वे है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे देन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन वहाँ पर देनी होती है। कोई आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको लिख कर ही देंगे, आप ऐसे ओरली ही अपने बॉस से नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड क्लैरिटी। जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्टाइल, ग्रामर हमारी सही होनी चाहिए, वोकेबुलरी एंड द क्लैरिटी, जो हम मैसेज लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। शब्दों का उसको जंजाल हमें नहीं बनाना है, केवल इस तरह से लिखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए। ऐसे वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना है सो दैट सामने वाला उन्हें आसानी से समझ सके। सो दिस इज द रिटन कम्युनिकेशन। नाउ देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज होते हैं। प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर की जा रही है उसको आपको डिटेल में वो आपको मिलेगी। जैसा अभी COVID-19 का जैसे टाइम चल रहा है तो मोदी जी ने समय समय पर आकर हमें बताया कि हमें ऐसा करना है, या लॉकडाउन में क्या क्या हमारे लिए निर्देश हैं उन्होंने क्या किया, कुछ ओरली हमें बताया और बाकी क्या कहा कि समय इसके लिए गाइडलाइंस मंत्रालय के द्वारा जारी कर दी जाएंगी, जहाँ पर आपको डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। क्योंकि ओरली हम लेंथी मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एन इफेक्टिव वे। इजी टू रेफर टू द पॉइंट्स डिस्कस्ड, जितने पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं किसी को भी रेफर करना आसान होता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 9th में हमने ये किया था, अगर तो मैं डॉक्यूमेंट में लिखता तो क्लास 9th का मैं आपको चैप्टर वगैरह और पूरी डिटेल वहाँ पर उसकी दे सकता था। सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज, लॉन्ग मैसेज के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज डॉक्यूमेंटेड, और जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, मीन्स विश्वास आप इस पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने साइन किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, सामने वाले व्यक्ति ने जो शर्तें उस समय रखी थी वो उनको मानेगा, अदरवाइज हम उस पर लीगल कार्यवाही कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ओनली फॉर लिटरल पीपल, ये केवल लिटरल पीपल के लिए होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं वही केवल इसको समझ पाएंगे, जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं। डिले इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डिले होता है, वो आप खुद से सोच सकते हैं क्या कारण है इसके, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, स्लो होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्लो क्यों होता है, अभी आपको लेटर टाइप करना है, फिर आप सामने वाले को देंगे, और यदि दूर है बाय पोस्ट भेजना है तो बाय पोस्ट भेजेंगे, या फिर आप मेल भेजेंगे, सामने वाला व्यक्ति अवेलेबल है या नहीं है
तब वो उसको देखेगा, तब वो उसका रिप्लाई देगा। बट ओरली आप कर रहे हैं देन तुरंत आप ओरली कर रहे, इट मीन्स व्यक्ति आपके सामने है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, ओवर टेलीफोन हो, या फेस टू फेस हो, तो आप उससे फीडबैक तुरंत ले सकते हैं। डिलेड फीडबैक रिजल्टिंग फर्दर डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब यदि आपके पास फीडबैक डिले देर से आएगा तो जो डिसीजन आपको उस पर्टिकुलर फीडबैक के बाद लेना है उसको भी लेने में देर होगी। सो दीज वर द डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन।